क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी, किस तरह की घटना हुई है तुम्हारे साथ? सर, मैं 27 जनवरी को गंगेटी थाने में गई थी। मुझे पता चला था कि मेरे पति को पकड़ा गया है गंगेटी थाने वालों ने। मैं पता करने गई थी ये बात सच है या झूठ, मगर वहाँ देखा तो उन्होंने मुझे पति से मिलने नहीं दिया अपने से, और मेरे संग गाली गलौज करी और मारपीट चालू कर दी। मुझसे बोले बहन की रोड़ी रंडी वहाँ बैठ, तू भी तो आती साथ चोरी करने, ये करने, उसे सिर्फ बकवास करने। चाचा का लड़का भी था उसके संग मारपीट कर, उसको कौन उठा जाए, कुर्सी पे बैठी हुई थी। उन्होंने एकदम ऐसे लात मारी, लकड़ी की कुर्सी थी, जब मैं गिरी तो ऐसे गिरी मेरे ये कान में थप्पड़ मारे और लात मारी पेट में, और घुसा ही घुसा चल पड़ते कमर मेरी में। उस टाइम मुझे दिक्कत मालूम नहीं हुई। उन्होंने हमसे छोड़ने के लिए 25,000 रुपये मांगे, मेरे से भी और मेरे चाचा का लड़का है वो भी। हमने यह कह दिया हमें पैसे नहीं है, आप चाहे जेल भेज दो हमारे लिए। तो ये अरुण है, एक बजरंगी के हेड, उनसे बात करी। मम्मी ने उनका हाथ पैर जोड़े, उन्होंने कहा तब मुझे छोड़ा गया। मुझे कोई दिक्कत मालूम नहीं पड़ी, तो मैंने दिखाया भी नहीं। मारपीट हुई तो मैंने इसलिए कोई कंप्लेंट नहीं करी कि मारपीट को हुई, गलती अपने आदमी की, क्योंकि गलत काम वो नहीं करते तो मेरा आदमी क्यों जाता। इस वजह से अब मुझे दिक्कत हुई, ये 9वीं से एक दिन पहले मुझे बदबू आ रही है बहुत पेट में से, और उल्टी सी आ रही थी। मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी क्वारसी पे, एक सहनाज हॉस्पिटल है। उन्होंने कहा क्या हुआ है तुम्हारे, तुम्हारा बच्चा खत्म हो चुका है 2 महीने पहले चोट लगने के कारण। मैंने क्या चोट लगने के कारण, मैं तो गिरी भी नहीं हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा है कभी, रात भात मारी हो या कोई घूसा घूसा? तो मैंने कहा पति ने तो नहीं मारा। कि नहीं मारा है, किसी ने तो मारा है आपको, तो इस वजह से मेरा बच्चा भी खत्म हो गया। मुझे भरोसा नहीं हुआ, फिर मैं अलका मित्तल पे भी गई पता करने को। उन्होंने भी यही बात रखी कि आपका बच्चा पहले ही मर चुका है, सड़ रहा है, अगर अबॉर्शन नहीं कराया तो तुम्हारी जान कभी भी जा सकती है। क्यों पकड़ा तुम्हारे पति को? मेरे पति ये गुलशन नाम का एक दोस्त है उनका, वो गाड़ियाँ मंगाता था। एक दो बार खुद भी छोड़ के आया था गाड़ियाँ अपनी, तो चंडीगढ़ रहते थे हल्लो माजरा में हम लोग। तो ये वही गाड़ी लेकर आए थे स्प्लेंडर की, तो ये गोद चोरी गाड़ी देखता है, ये मर्डर भी करता है, और चार पे ये गाड़ी बेचने काफ़ी बार देखी है। हमसे मंगाता था, इन्होंने मना कर दिया। मैंने फ़ोन में उनकी रिकॉर्डिंग सुनी थी, तब मैंने कहा मैंने कि क्या कर रहे हो तुम, गलत काम कर रहे हो। हम तो मंडी का काम करते हैं, होम डिलीवरी, जो सामान आता है फल फूल जो मंगाता है, जितना आधी किलो तो आधी किलो ही, उसमें 50 रुपये देते हमारे लिए। तो क्या कोई गाड़ी वाड़ी चलाते हैं हमारे लिए? मंडी का काम करते हैं, रात को माल खरीद के उतना ही बेचते हैं, जैसे फ़ोन करके कॉल आती है कॉलें हमारे पे, जैसे कि आधी किलो मंगाया तो हमें 50 रुपये एक्स्ट्रा बच गया हमारे लिए, तो उसमें हमारी कमाई अच्छी थी। तो कौन दरोगा था जिसने मारपीट की, कौन पुलिस वाले थे? रामराज यादव, रामराज सर है उनको। मेरा नाम नहीं पता था पहले तो, मगर जब मैंने अखबार में पढ़ा, जब खबर आई थी तब मुझे नाम पता चला। उन्होंने नाम छुपा रखा था सिंपल। कौन से थाने का मामला था? गंगेरी का। उसके बाद शिकायत भी की थी अधिकारियों से? कोशिश करी, भागदौड़ करी, कोई मेरे साथ ही नहीं पड़ रहा था। अब परेशानी ज्यादा हुई, SSP वगैरह किसी से शिकायत भी की? अब करिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जाँच दे रखी है, और जाँच में तो बहुत टाइम लग रहा है इस हिसाब से, और मेरे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग चालू हो चुकी है, मेरी उम्मीद बहुत कम है इस हिसाब से। मेरे पे बैठा उठा कुछ नहीं जा रहा, ना खाया जा रहा कुछ भी। अच्छा, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में क्या बताया गया है? बच्चा खत्म हो चुका है 2 महीने पहले ही, वो थोड़ा थोड़ा सड़ना शुरू हुआ तो उसका दम घुटता गया, वो जब खत्म हो गया अब पूरी तरह सड़ चुका है। अब आपकी जान को खतरा है उस बच्चे की? हाँ। जो बच्चा खत्म हुआ है वो आपकी अभी कोर्ट में है? हाँ, अभी इसी टाइम है, क्योंकि कल को रामराज यादव ने कह देगा, इल्ज़ाम लगा देगा मैंने कुछ नहीं करा, ये झूठ बोल रही है लड़की। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया मुझ पर कि ये सब आरोप झूठे हैं अपने पति को बचाने के लिए। आप मुझे ये बताइए सर, अगर मुझे पति को बचाना होता तो 2 महीने पहले ही केस करती मैं इस बात में। मुझे पति को जेल जाने से रोकना होता तो उसी टाइम केस करती मैं। मैंने कोई केस नहीं करा, जब गलत करा है तो भुगतेंगे सब। तो यहाँ कर अपने पति को बचाने के लिए मेरे पे झूठा आरोप लगा रही है। अभी भी 2 कॉल आई है कि गाजियाबाद आ जाओ, वारंट आया है और तुम जल्दी छुटाने आ जाओ अनिल को। जान का भी खतरा है तुम्हारे और पुलिस वालों से भी? हाँ, पुलिस वालों से भी जान का खतरा है। आप रिकॉर्डिंग में सुना देती हूँ।